ये है गाइस आईफोन 11 प्रो। काफी बार पूछा जाता है क्या 2024 में आईफोन 11 प्रो लेना सही रहेगा या फिर नहीं, क्योंकि ये एक 4G फोन है और दूसरी बात ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। बट अच्छी बात ये है कि ये काफी कम प्राइस में अभी हमें देखने को मिल जाता है, रिफर्बिश मिल जाते हैं, सेकंड हैंड मिल जाते हैं, तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी भी। और आप में से काफी सारे इंटरेस्टेड रहते हो आईफोन 11 प्रो लेने में, और आईफोन 11 अभी भी मिल जाता है रिफर्बिश सेकंड हैंड। अगर आपको आईफोन 11 के ऊपर भी वीडियो चाहिए 2024 के लिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और बात करते हैं इस वीडियो में आईफोन 11 प्रो की। अभी गाइस कैशिवाई के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है 28,499 फेयर कंडीशन में 64GB वाला वेरिएंट, और सुपर कंडीशन में अगर आप जाते हो तो ये पड़ रहा है 31,599 और 256GB पड़ रहा है 34,699। यहाँ पर आपको बता दूं अगर आप कैशिवाई से ले रहे हो तो मैं यही कहूँ कि 64GB वाले की तरफ मत जाना, 64GB बहुत ही कम पड़ जाता है, उससे ऊपर वाले वेरियंट की तरफ ही जाना, कम से कम 256GB वाले वेरियंट की तरफ जाना, क्योंकि भाई स्टोरेज को लेकर दिक्कत आ जाती है। कैशिवाई से मैंने भी आईफोन 13 मंगवाया था, सुपर कंडीशन में अच्छा फोन था। अगर आपने कैसे लेना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जितने भी अच्छे रिसोर्सेज रहेंगे पुराने रिफर्बिश आईफोन लेने के लिए तो वो मैं सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम इस फोन के बारे में बात करते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है और सेकंड हैंड मार्केट में किस प्राइस तक लेना सही रहेगा, और कैसे आप चेक कर सकते हो आईफोन की जो डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है, उसका कोई पार्ट चेंज तो नहीं हुआ है, बैटरी जो है वो ओरिजिनल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत जरूरी रहता है अगर आप रिफर्बिश या सेकंड हैंड आईफोन ले रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पर धोखेबाजी हो जाती है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा वो आप जरूर यूज करना। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। इस फोन को लॉन्च हुए गाइस 4 साल 5 महीने हो चुके हैं, लॉन्च होने के बाद इस फोन को ले लिया था, और मैं आपको बता दूं ये जो हमारे पास फोन है ये अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, कहीं भी आपको स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें ये जो ग्रीन कलर है ये नया कलर आया था, और ये कलर बहुत प्यारा लगता है, बट डार्क कलर है, इसमें फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ये भी आपको बता देता हूं वैसे। और जो साइड फ्रेम यूज की है ये स्टेनलेस स्टील की है, बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है, और इन हैंड फील बहुत अच्छा है इसका। ये जो हमारे बॉक्सी डिजाइन वाले आईफोन है ना, इनमें इन हैंड फील उतना सही नहीं रहता है, बट हाँ इसमें इन हैंड फील बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर राउंड शेप में साइड्स दिए गई हैं, यहाँ पर आप कॉर्नर्स भी देख सकते हो, और फ्रंट और बैक दोनों ही कॉर्निंग मेड ग्लास के साथ बने हैं, काफी सॉलिड है। वैसे मैं आपको बता दूं काफी बार गिरा भी है ये फोन, उसके बावजूद भी ये सेफ है, बाकी आपके यूज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और गाइस ये एक प्रो सीरीज है, बट इसका जो डिस्प्ले साइज है वो है 5.80 इंच, और जो हमारा आईफोन 11 है ये 6.1 इंच की डिस्प्ले के साथ में आता है। डिस्प्ले साइज यहाँ पर छोटा है, बट क्लियरिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी आईफोन 11 से, क्योंकि इसमें सुपर रेटिना XDR OLED पैनल यूज किया, जो कि HDR 10 Dolby Vision 800 nits ब्राइटनेस के साथ में आता है, और पीक ब्राइटनेस इसकी 1200 nits तक चली जाती है। तो आईफोन 11 से मच बेटर डिस्प्ले है आईफोन 11 प्रो की। गाइस डिस्प्ले क्वालिटी इज रियली वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2024 के हिसाब से डिस्प्ले बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ रिफ्रेश रेट आपको 60Hz का ही देखने को मिलेगा। आईफोन 14 15 में भी अभी हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। एक बात आपको मैं बता दे दूं, अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ कम है, जैसे हमारी इस 11 प्रो की बैटरी हेल्थ हो चुकी है 75%, और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ गया कि सर्विस बैटरी चेंज करवाना पड़ेगी, और हमने अपने आईफोन 11 की बैटरी चेंज भी करवाई थी और उससे फर्क पड़ा था परफॉर्मेंस में, अदरवाइज नॉर्मल यूज में भी जो रिफ्रेश रेट है वो प्रॉपर 60Hz वाला फील नहीं आता है, थोड़ा सा लैगी फील होता है अगर बैटरी हेल्थ कम हो चुकी है, 75 से नीचे चली गई है, तब ये दिक्कत आती है, और जब आप गेमिंग करते हो तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप पुराना फोन ले रहे हो तो बैटरी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अदरवाइज वो आपको चेंज करवाना पड़ेगी, और मैं आपको एप्पल ऑथराइज केयर सेंटर रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वहां पर ओरिजिनल बैटरी डलती है और फोन की आईपी रेटिंग भी बनी रहती है, और बाहर डलवाओगे तो बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं आजकल। अभी मैं आपको कुछ डिस्प्ले के सैंपल दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देखो और आप खुद ही बताओगे कैसी डिस्प्ले लग रही है इसकी। और गाइस ये फोन हमारा IP68 रेटिंग के साथ में आता है, 4 मीटर पानी के अंदर आप इसे लेके जा सकते हो। और आपको बता दूं आईफोन 11 का भी हमने वाटर टेस्ट किया था और इसने सर्वाइव कर लिया था, और हमने आईफोन 11 प्रो का भी नॉर्मल वाटर टेस्ट किया था उसमें भी इसने सर्वाइव कर लिया था। और गाइस एक बात, ये जो 5.80 इंच का साइज की डिस्प्ले है ना, ये काफी परफेक्ट जैसा साइज लगता है, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, वन हैंड यूज करना हो तो काफी इजिली यूज कर सकते हैं, बट हाँ ये फोन थोड़ा सा हैवी है, 188 ग्राम्स का ये फोन है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर होगी, जो इसका डिजाइन है और जो बिल्ड क्वालिटी
क्वालिटी है ना वो 2024 के हिसाब से भी काफी बड़ी है। इस रेंज में आपको और जितने भी मार्केट में स्मार्टफोन मिलते हैं एंड्रॉइड कैटेगरी में उनसे आपको बेस्ट ही यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। और जो प्रीमियम है वो भी आप देख सकते हो, 3 कैमरे भी यहाँ पर देके रखे हैं। बस कमी एक है इसमें 5G नहीं आता है, 5G फोन ये नहीं है, तो यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आएगी। आप सोचोगे कि मैं कुछ अपडेट कर लूंगा और इसमें 5G चला लूंगा, तो आप नहीं चला सकते। बाकी स्पीकर आउटपुट की बात कर लेते हैं। देखो स्पीकर आउटपुट इसकी बहुत प्यारी है, मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए गाइस अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिलती है। देखो ये फोन आता है एप्पल A13 चिप के साथ में जो कि 7 नैनोमीटर के प्लेटफॉर्म पर है और 4 कोर का GPU इसमें दे के रखा है। जब ये फोन लॉन्च हुआ था iOS 13 पर था और अभी ये लेटेस्ट iOS 17.3.1 पर रन कर रहा है। एप्पल 5 ईयर के अपडेट देता है तो इस फोन को लॉन्च हुए 4 साल 5 महीने हो चुके हैं। मे बी एप्पल 1-2 साल और की अपडेट भी दे दे, क्योंकि एप्पल करता है भाई ऐसा, 5 साल के ऊपर की भी अपडेट दे देता है, तो इसमें आपको अपडेट मिल सकती है और 1-2 साल की। और बात आप अभी भी 4 से 5 साल इस फोन को यूज कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और जो बैंक्स एप्स होती है ना उनमें आपको अपडेट मिलते रहेंगी 3 साल तक कम से कम। और उसके बाद में ज्यादा पुराना हो जाएगा ये मॉडल, तब जो बाकी के एप्स होते हैं उनमें अपडेट नहीं आते, वो एप्स आप यूज नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हो आईफोन 11 प्रो लेना है, 3-4 साल यूज करना चाहते हो, तो हाँ आप जा सकते हो सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में। और परफॉर्मेंस में डेली टास्क में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है। आप YouTube देखते हो, Instagram चलाते हो, बहुत ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलती है। बट हाँ गेमिंग की बात करें, देखो अगर मैं BGMI जैसे गेम खेल रहा हूं ना इस फोन में तो परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बट हाँ फोन हीट हो जाता है। जब ये हीट हो जाता है उसके बाद ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है। अगर आप ज्यादा देर तक गेम खेल रहे हो तो उतनी अच्छी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की हमें लेटेस्ट आईफोन में देखने को मिल रहा है। बट हाँ जिस प्राइस में मिल रहा है उस हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सही है। BGMI गेम की मैं आपको सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ, आप स्मूथ और एक्सट्रीम में खेल सकते हो, मतलब 60 FPS पर, और HD में भी आपको एक्सट्रीम ऑप्शन मिल जाती है। और इतना पुराना फोन होने के बावजूद HDR में भी आपको 60 FPS की ऑप्शन मिल जाती है, और आप अल्ट्रा HD की तरफ जाते हो तो आपको 40 FPS की ऑप्शन मिल जाती है अल्ट्रा की, जो कि हमें लेटेस्ट iPhone 15 में भी इसी तरह की ऑप्शन देखने को मिलती है। 15 Pro Max में 90 FPS में मिल जाते हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले 60Hz वाली है और iPhone 15 की भी 60Hz वाली है, तो उससे ज्यादा का आप एक्सपीरियंस ले नहीं सकते। तो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो काफी अच्छा है, 60 FPS आपको कांस्टेंट मिल जाते हैं। लेकिन हाँ अगर आप हॉट ड्रॉप कर दो या फिर कस्टम मैच खेलते तो वहां पर लगेगा आपको कि हाँ थोड़ा पुराना फोन है, उस टाइप की आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन फिर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, जायरोस्कोप और बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क करती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर दिक्कत आएगी आपको तो फिर बैटरी बैकअप को लेकर आ सकती है। और स्मूथनेस तो काफी बढ़िया है, मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो हाँ गेमिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हो, परफॉर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत है नहीं इस फोन में। अब गाइस बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। देखो इस फोन का जो बैटरी बैकअप है ना वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी हेल्थ भी कम हो गई है, 75% बैटरी हेल्थ है। बट काफी सारी सेटिंग्स मैंने इसमें बंद करके रखी है, उसकी वजह से बैटरी बैकअप ये अभी भी 1 दिन का निकाल के दे देता है। अगर आपके पास भी पुराना आईफोन उसकी बैटरी हेल्थ कम है तो एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि मैंने खुद बनाई है। काफी सारी सेटिंग्स है जो कि आईफोन में बेमतलब में ऑन रहते हैं, उनका यूज कोई नहीं होता है, उन्हें आप बंद कर दोगे बैटरी बैकअप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हाँ जब आप हैवी वर्क करते हो ना, जैसे BGMI से गेम खेल रहे हो, तब आपको इसमें बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे का देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और सोशल मीडिया के लिए आप यूज कर रहे हो तो 6 से 7 घंटे निकाल के दे देगा। और अगर आपने बैटरी पूरी चेंज करवा दी है एप्पल केयर सेंटर से, तब भाई 1 दिन बहुत आराम से निकाल देता है, और गेमिंग में भी 5 से 6 घंटे निकाल के दे देगा आराम से, अगर बैटरी हेल्थ 100% है और वो भी ओरिजिनल। चलिए अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप कोई सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड फोन ले रहे हो तो आपने एक काम करना है, आपने अपने PC या MacBook में 3U टूल को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद डेटा केबल के साथ में अपने फोन को कनेक्ट कर देना है। ये सॉफ्टवेयर पूरी डिटेल दे देगा आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ कितनी है, कौन सी कंट्री का आईफोन है, अगर कोई पार्ट चेंज हुआ होगा तो वहां पर उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको पता लग जाएगा उससे कि हाँ भाई इसकी डिस्प्ले चेंज हुई है या फिर इसकी बैटरी चेंज हुई है। तो इस टूल का यूज करके आप फोन की कंडीशन का पता लगा सकते हो। और इन सब के अलावा इस फोन के बारे में बाकी बात करें, जैसे सेंसर्स की बात होगी तो इंपॉर्टेंट सेंसर जितने होते हैं वो उसमें देके रखे, जैसे फेस आईडी हो गया,
गया, जायरो सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, कंपास हो गया। इसमें QI चार्जिंग मिल जाती है, मतलब वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और ओरिजिनल चार्जर के साथ में अगर चार्ज करते हो तो 30 मिनट में 50% ये चार्ज हो जाता है। लेटेस्ट आईफोन भी इतने टाइम लेते हैं। अब गाइस कैमरा की बात कर लेते हैं, आप सभी एक्साइटेड होंगे कैमरा के लिए। तो इस फोन में आपको 12 MP के कैमरा सेंसर मिल जाते हैं। देखो सीधी सी बात बताऊं तो वीडियोग्राफी के लिए अभी भी जबरदस्त है 2024 में भी, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस भी है, अल्ट्रा वाइड भी है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसके कैमरा की आउटडोर में भी और इनडोर में भी। और वीडियोग्राफी में सबसे अच्छी बात है कि आप 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हो, फ्रंट कैमरा से भी और बैक कैमरा से भी, आप टेलीफोटो लेंस से भी, अल्ट्रा वाइड से भी और मेन प्राइम लेंस से भी। तो ये वीडियो है, इसमें आईफोन 11 प्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS और क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं इस फोन को ब्लॉगिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अगर लाइट कम भी है तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस का आपको आइडिया लग जाएगा। अभी मैं सिर्फ फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूँ, मेन कैमरा की तरफ चलते हैं। ये वीडियो मेन कैमरा से बन रही है और माइक भी इसी फोन का यूज हो रहा है। अभी हम इंडोर में, आउटडोर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे गाइस इसके आउटडोर परफॉर्मेंस, और अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको तो यहाँ पर 3x तक जूम हो जाता है। सामने पैरट्स हैं बहुत प्यारे प्यारे, वो आपको दिख रहे होंगे। और अभी मैंने अल्ट्रा वाइड पर स्विच कर दिया है तो अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, तो ये ब्लॉगिंग के लिए काफी काम में आ सकता है आपके। और ये अल्ट्रा वाइड में कुछ रेंज ऐसी रहती है, क्लियरिटी आप देख सकते हो किस तरह की है। और अल्ट्रा वाइड से आप मैक्स जूम कर सकते हो 1.5x, और इसमें 2x टेलीफोटो लेंस भी है और इसका मैक्स जूम है 6x, तो ये 6x जूम है, ये आप देख सकते हो कुछ ऐसी आउटपुट देता है। और अब मैं आपको कुछ फोटो सैंपल दिखाता हूं। तो गाइस फोटो सैंपल भी आपने देख लिया। देखो मेरे हिसाब से तो कैमरा इसका काफी बढ़िया है, अच्छा कैमरा है जिस प्राइस पे अभी आपको ये फोन मिल रहा है उस हिसाब से। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो अगर आपको आईफोन 11 प्रो 25,000 के आसपास मिल रहा है, 85% के आसपास उसकी बैटरी हेल्थ है और कोई पार्ट चेंज नहीं हुआ है, तब मैं अच्छी डील कहूंगा। मैक्सिमम 30,000 आप स्पेंड करते हो ना तब भी सही डील है। अगर उसकी बैटरी हेल्थ कम है तो आप एक्स्ट्रा पैसे जोड़ के चलना, 5-6,000 आपके बैटरी रिप्लेसमेंट के लगेंगे। और मैं बाहर से बैटरी चेंज करवाना रिकमेंड नहीं करता हूं, आपको केयर सेंटर से चेंज करवानी चाहिए। और मैंने आपको इस वीडियो में सॉफ्टवेयर का नाम भी बता दिया, 3U टूल, उसका यूज करके भी आप पार्ट्स का पता लगा सकते हो और बैटरी हेल्थ का, कि बैटरी हेल्थ कितनी है, कौन सी कंट्री का आईफोन, वो सब कुछ आपको उसी सॉफ्टवेयर में पता लग जाएगा। और कमी की बात करूं, कमी क्या है इस फोन में, एक ही मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है जो कि 5G नहीं है इस फोन में, अदरवाइज फोन काफी बढ़िया है। और दूसरा ये है कि 6 GHz की डिस्प्ले है, जो कि हमें वैसे नॉर्मल देखा जाए तो आईफोन 15 में भी वैसे ही देखने को मिलती है। तो फिर गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने मुझसे वीडियो कॉल पर बात करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नया आईफोन लेना है, आपको डिस्काउंट चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे कैमरा सेटिंग, बैटरी सेटिंग्स, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करो। तो फिर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।